ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आखिरकार हमारी किस्मत में क्या लिखा है? किस्मत का लिखा कोई क्यों नहीं मिटा पाएगा? आज तक बहुत मेहनत की, बहुत चीज़ों में हमने प्रयास किए, लेकिन फिर भी हमें उस तरह से चीज़ें नहीं मिली। उसके पीछे रीज़न क्या है और हमारी किस्मत में आखिरकार लिखा क्या है, ये सभी चीज़ें हम जानना चाहते हैं और आप भी ये जानना चाहते होंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखो, 2.5 मिनट के वीडियो में ये सब चीज़ें समझ जाओगे आप। सबसे बात शुरू यहाँ से होती कि किस्मत और मेहनत एक सिक्के के पहलू हैं। मैं कहीं भी इस बात को लेकर ये नहीं कह रहा हूँ किस्मत ज़्यादा होती है या मेहनत ज़्यादा होती है, दोनों बराबर होती है, पर मेहनत तो आपको करना होगी। मेहनत करने वाले की ही किस्मत साथ देती है। जब भी आप कभी भी मेहनत करें तो मेहनत के साथ अपने गुरु मंत्र के जप को सतत जप करते रहें। जब भी आपको वक्त मिले, 100 बार, 101 बार, 108 बार, लेकिन मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। जब व्यक्ति रुक जाता है, थम जाता है, जब उसे सफलताएं नहीं मिलती, तब वो सकारात्मक ऊर्जा जो किस्मत के हाथ में होती है वो हमें बहुत पुश करती है और वही ऊर्जा हमें सफलता तक ले जाती है और हमारी जो मेहनत है उसका सही मूल्यांकन होता है और हमें सही उसके परिणाम मिलते हैं। इसलिए मंत्रों में बहुत शक्ति और मंत्र जब से ही किस्मत आपकी तेज होती है। अब आप कहेंगे कि इसके क्या प्रमाण है? इसके प्रमाण भी तो आपको देना पड़ेंगे, मुझे देना पड़ेंगे कि भाई क्या प्रमाण है। जब भी व्यक्ति किसी भी सफलता के करीब जाता है तो सफलता के करीब जाने के बाद वो रास्ते बंद हो जाते हैं। वो सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब चीज़ें नहीं हो सकती। अगर ये मन में जब भी ख्याल आए तो समझ जाइएगा कि आप सफलता के बहुत बहुत करीब हैं, क्योंकि सफलता के करीब आने पर ही व्यक्ति के साथ ये चीज़ें होती है। इसलिए हमेशा कहते हैं आपका दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत रखें, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखें। और ये इच्छा शक्ति मजबूत जो होती है हमारे मंत्र जब से होती है। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। इवन हम जो मन में सोचते हैं नेगेटिविटी, उसका भी हम पर और हमारे आसपास के आवरण में बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि राहु के अंतर्गत चीज़ें आने लगी और राहु पर जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना आप अध्ययन करेंगे, जितनी चीज़ें समझेंगे, सब कुछ कम है। इसलिए अच्छा बोलना, अच्छा सोचना और मंत्र जप करना एक किस्मत को बहुत ही ज़्यादा किस्मत को मजबूत भी करती है और फल भी मिलते हैं। आप इसे प्रैक्टिकल करें 8 दिन में। मंत्र जब नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, आपको फायदा मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।